हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, आपकी क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा वो एग्जाम। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इस जो टेबल है, इस टेबल का नाम है कैब, ठीक है। और यहाँ पर कैब आईडी दी गई है, फिर कैब टाइप है, फिर एनओपी दिया गया है एक फील्ड, और फिर यहाँ पर रेट दिया गया है, ठीक है। तो अभी कैब आईडी में CB1, CB2, CB3, CB4 ये दिखाई दे रहा है, बाकी सेडान, येलो टैक्सी, कैब टाइप जो है भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद से एनओपी दिया गया, जिसमें 4532 दिया गया, और रेट यहाँ पर दिया गया। तो पहला जो क्वेरी है वो क्या है, एड अ न्यू कॉलम। कह रहा है पहले क्वेरी में कि आपको एक कॉलम नया ऐड कराना है। अब किस नाम से ऐड कराना है, तो कॉलम ऐड कराना है ड्राइवर के नाम से, ठीक है। किस नाम से ऐड कराना है कॉलम, ड्राइवर के नाम से ऐड कराना है। तो अभी ड्राइवर के नाम से इसमें पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसमें कैसे जो है क्या क्वेरी लिखेंगे कि इसमें कॉलम एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक एक क्वेरी बता देता हूं इसमें क्या क्या लिखेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला काम कि यहां पर आपको क्वेरी लिखना है पहले वाले का। तो मैं पहला Q1 कर देता हूँ। Q1 का मतलब क्वेरी वन से है, पहले की क्वेरी लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो इस टेबल को अल्टर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें नया कॉलम ऐड करना है, तो इसमें अल्टर तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे अल्टर लिखा हमने, और फिर यहाँ लिख देंगे टेबल। अब टेबल का नाम क्या है, कैब है, ठीक है। तो जो नाम होगा टेबल का वही देना है, कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना है। तो ये कैब हो गया, और कैब के बाद इसमें क्या ऐड कराना है, तो यहाँ पे ऐड कराना है ड्राइवर, एक फील्ड ऐड कराना है ड्राइवर नाम से। और ये जो ड्राइवर है, ये डेटा टाइप होगा इसका वेयर केयर, तो ये वेयर केयर हो गया। साइज क्या रखनी है, तो साइज रखनी है 30। तो बस ये क्वेरी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेरी लिखेंगे, और इस तरीके से ये क्वेरी अगर लिख देते हैं आप, तो यही क्वेरी जो है आपकी रन हो जाएगी, और आपका जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली ये क्रिएट हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली क्वेरी हो गई, यानी एक नंबर का काम आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, दूसरे में क्या है, दूसरे में दिया गया है, यहाँ पे क्वेरी टू कर देता हूं मैं, Q2, ठीक है। तो क्वेरी टू में दिया गया है चेंज डेटा टाइप ऑफ रेट कॉलम टू कैर। मतलब रेट का कॉलम कैर में तो नहीं होता है, लेकिन यहां पर चेंज करने के लिए दिया गया है, कैर में ही हमें चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, तो आप चेंज जो भी करना है, परिवर्तन करना है, तो आप ये जान लीजिए कि अल्टर कमांड तो चलाएंगे ही चलाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा अल्टर कमांड, क्या लिखना है आपको, अल्टर कमांड लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं अल्टर, ALTER, योग्य अल्टर। अल्टर लिखने के बाद क्या करना है आपको, टेबल को अल्टर करना है, तो टेबल का नाम आपको देना है। तो टेबल का नाम क्या है, कैब नाम है, तो यहां पे कैब कर दिया। अब आते हैं, अब यहां पर चेंजेस कैसे करेंगे, क्योंकि हमें डेटा टाइप को चेंज करना है, ठीक है, कैर बनाना है, ठीक है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई कमांड का यूज करेंगे, मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई इससे पहले भी मैंने बताया है, प्रैक्टिकली करके बताया है आपको, ठीक है। और यहां पर रेट को मॉडिफाई करना है ना, तो यहां पर रेट डाल दीजिए, और इसको किस में चेंज करना है, तो कैर में चेंज करना है, तो CHAR कैर कर दिया। साइज क्या रखनी है, साइज रखनी है 20, तो ये लीजिए चेंज हो गया। यहाँ पे टर्मिनेशन दे दीजिए, हो गया, यानी दो नंबर का काम हो गया, देखिए कितना आसान है। फिर क्वेरी थ्री, तीसरी क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो देखिए तीसरी क्वेरी को लिखने के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, टू डिस्प्ले द कैब हुज रेट इज मोर देन 25, यानी जिसका रेट 25 से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए किसका किसका ज्यादा है, ये 40 है, यहाँ पे इसका है, फिर ये है, ये दो ही का रेट ज्यादा है, ठीक है, बाकी 20 तो कम ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट लिखने के बाद, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें कैब टाइप देखना है ना, तो यहाँ पे कैब टाइप करिएगा। तो जैसे ही होगा, जैसे लिखा हुआ है ऊपर कैब टाइप, बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिख देना है, कैब टाइप सेलेक्ट कैब टाइप। अब कहां से सेलेक्ट करेंगे, तो फ्रॉम कैब नाम का जो टेबल बना है उसी में से सेलेक्ट करेंगे, तो फ्रॉम कैब लिख दिया। और यहां पे वेयर की कंडीशन दे दीजिएगा, वेयर रेट, अब चूंकि हमें ज्यादा चाहिए तो इज ग्रेटर देन 25 कर देंगे, ये हो गया, और ये आपकी क्वेरी पूरी हो गई। यानी ये देख सकते हैं तीन जो क्वेरीज हैं कितनी आसानी से लिख ली गई हैं, ठीक है। यही आपको लिखना है एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिकली तो देगा नहीं ये करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिकल का तो झंझट ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर आप सीधा सीधा क्वेरी लिखिए, और जितना परसेंट आपका, अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस में जो है जो स्टेप मार्किंग नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूरा पूरा सही लिखने का प्रयास कीजिएगा, और जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा,
अगर लिखे होंगे तभी नंबर मिलने की गुंजाइश है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चौथा देख लेते हैं, चौथा क्वेरी क्या है। चौथा है हमारा टू डिस्प्ले कैब आईडी एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर कैब सेडान। तो सेडान यहाँ पे एक ही है कैब टाइप, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं ये इस तरीके से आया हुआ है। तो अभी इसके लिए क्वेरी लिखनी है तो क्या करेंगे, इसके लिए क्वेरी लिखनी है तो पहले सबसे पहले तो सेलेक्ट कमांड चलाएंगे और यहाँ पर कैब आईडी को जो है यहाँ पर लेके आएंगे। तो ये हो गया कैब और फिर यहाँ पे आईडी, ये हो गया कैब आईडी, ठीक है। सीएबी लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा लिखते समय सीएबी है, ठीक है। कैब आईडी हो गया और कैब आईडी और इसमें क्या क्या, तो फिर हमको सब सभी चीजें चाहिए होंगी तो कॉमा लगा करके एनओपी कर देते हैं, एनओपी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, यहां पे कर देते हैं फ्रॉम, कहां से सेलेक्ट करेंगे कैब, टेबल का नाम क्या है कैब है। और अब यहां पे कंडीशन, तो वेयर कैब टाइप सी ए बी टी वाई पी कैब टाइप इज इक्वल टू, अब यहां पे डबल डॉट कॉमा में सेडान दे दीजिए एसई डी ए एन, तो बस ये हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा और ये एस कैपिटल रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके यहाँ पे टर्मिनेशन दे दीजिए। चारों क्वेरीज क्लियर, यानी चार नंबर का क्वेश्चन सॉल्व, इस तरीके से क्वेरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आया हुआ है बोर्ड में इसीलिए मैंने इस पे आधारित यही बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर।